हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी ए स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन इसका प्रिंसिपल इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन और लिमिटेशन साथ ही साथ आपको एक हैंडमेड नोट भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है तो वीडियो शुरू करते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे ए ई एस से भी डिनोट किया जाता है तो यहाँ पे अब हम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एई एस इज अ वाइडली यूज टेक्निक टू इन्वेस्टिगेट द कंपोजिशंस ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड्स बेसिकली अगर हम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं तो ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है एक प्रकार का टेक्निक है जिससे जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है किसी भी सॉलिड या या फिर सैंपल यहाँ पे जो है हम सैंपल को सॉलिड के रूप में लेंगे क्योंकि ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल होता है हमारा उसको सॉलिड फॉर्म में ही लिया जाता है तो हमारे सैंपल या सॉलिड के जो सरफेस लेयर होंगे उसके कंपोजिशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑगर इलेक्ट्रो अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक का प्रयोग किया जाता है तो इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन इस प्रकार हम बता सकते हैं या इसको इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर इन 1923 बाय लीस मैटनर एंड लेटर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर वंस अगेन इन 1925 बाय पियरे ऑगर तो बेसिकली इसको सबसे पहले 1923 में लीस मैटनर ने इसे जो है डिस्कवर किया था उसके बाद बाद में सन 1925 में पियरे ऑगर ने इसे जो है फिर से डिस्कवर किया था इसी कारण पियरे ऑगर के नाम पर ही इस टेक्निक का नाम जो है ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ा ये इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन इस प्रकार दे सकते हैं उसके बाद हम इस अब हम इसका जो है प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे तो प्रिंसिपल जो है हम इसका पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में आपको डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से समझा दूंगा तो बेसिक प्रिंसि इसका प्रिंसिपल क्या है पहला पॉइंट हमारा फाइन फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड सैंपल एंड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर सेल ऑफ द एटम ठीक है सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि एक फाइन फोकस इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली हम यहाँ पे जो है ऑगे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में तो यहाँ पे जो एक फाइन फोकस इलेक्ट्रॉन बीम हम अपने जो एटम होंगे अपने जो सैंपल होगा सैंपल होगा बेसिकली जो सॉलिड फॉर्म में होगा उस पी उसके ऊपर जो है बोमबार्ड करेंगे उसके बाद जो उसके उसके इनर सेल का एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा जैसे कि यहां पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पॉइंट का डायग्राम है इलेक्ट्रॉन कोलिजन कहलाता है जो हमारा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम है हम ये एटम पे इसको जो है बोमबार्ड करेंगे उसके बाद इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगा ठीक है ये पहला पॉइंट हो गया मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम हम एटम में डालते हैं तो इनर सेल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है

मतलब उसके इलेक्ट्रॉन आके जो है इसको फुलफिल कर देंगे रिफिल्ड कर देंगे ये हमारा सेकेंड पॉइंट है उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि वेन द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल्स द होल द रिलीज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन इन

उसके हायर एनर्जी सेल पर इस सेल पर ये रिफर्ड uh, हो जाएगा ठीक है ट्रांसफर हो जाएगा ये एनर्जी तो उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है डेट uh, इलेक्ट्रॉन उसके बाद जब uh, जब एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा तो क्या कहता है डेट इलेक्ट्रॉन हैज सफिशियंट एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन टू बी इजेक्टेड विद अ कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो जब ये जो है जब ये एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो है जो है सफिसियंट एनर्जी हो जाएगा जो बाइंडिंग एनर्जी जो इस सेल के साथ जो बंधा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलने के लिए सफिसियंट हो जाएगा एनर्जी ठीक है मतलब जो एनर्जी में बंधा हुआ है उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इस एटम से तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम ऑगर इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो मतलब बेसिकली आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अगर इफेक्ट के कारण उसे ही हम अगर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है साथ ही साथ इसमें जो है एक कैनेटिक एनर्जी भी वर्क करता है कैनेटिक एनर्जी के साथ जो है गतिज ऊर्जा के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसके बाद है हमारा

को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर आ, उससे लिथियम या लिथियम से ऊपर के जो हमारे आइटम्स जो आ, जो एलिमेंट्स हैं उसको हम ऑगर प्रोसेस के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो गया अब हम इसका अ, जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि कैनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है जैसे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो एन एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल हैव अनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसके पास वो जो है उसके पास एक कैनेटिक एनर्जी भी है तो उसको इस फॉर्मूला के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं ई कैनेटिक ई कोर स्टेट माइनेट ई वी माइनस ई सी अगर ये डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा जो सबसे इनर सेल है के उसके बाद जो ऊपर का सेल है वो है एल वन एल टू एल थ्री इस प्रकार इसको नाम दिया गया है सेल को तो इसको अगर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो इसको इस डेफिनेशन uh, के द्वारा हमको uh, जो है रिप्रेजेंट uh, कर सकते हैं जो कैनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन के साथ होता है ई कैनेटिक इक्वल टू के माइनस एल वन माइनस एल टू एल थ्री ये हमारा बेसिकली कैनेटिक एनर्जी का जो है एक फॉर्मूला है उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस uh, uh, इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस uh, करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में uh, जो है इसका प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है uh, जो इसका हमारा जो थ्योरी जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए हमको जो है कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है उसके बाद इसका एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसके बस इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का इसका विधि आपको नहीं पूछेगा कि इसका वॉक फंक्शन क्या है यह सब तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम इसका देखते हैं द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द एस स्पेक्ट्रोमीटर आर इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसको हम देखते हैं

क्योंकि ये जो है बेसिक है हमारे केमिस्ट्री के लिए तो यूएचबी इन्वायरमेंट होता है, क्या है इसको इस प्रकार से कैरेक्टराइज किया जा सकता है इसका प्रेशर जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गन जहाँ पे है ये हमारा यूएचबी इन्वायरमेंट में घिरा हुआ है तो यू एच बी इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या होता है इसका प्रेशर जो होगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रेशर होगा वो हमारा टेन टू डी पावर माइनस एट टू टेन टू डी पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है इतना इसका प्रेशर होगा एम बार ठीक है इसको एम बार में रिप्रेजेंट करते हैं इतना प्रेशर होगा यूएचबी एनवायरनमेंट में अगर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क करता है तो ठीक है एंड ये जो है केमिस्ट्री में बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है हम यूएचबी इन्वायरमेंट यूज करना या फिर यूएचबी इन्वायरमेंट में ही हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन को चलाना इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब रिसर्च जब साइंटिफिक रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारा जो chem, जो हमारा सैंपल का सरफेस होगा इसमें सैंपल का सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो, जो हमारा सैम्पल का सरफेस होगा वो केमिकली क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ अनवान्टेड जो एब्सॉशंस हैं जो अनवान्टेड जो उसमें अशुद्धियाँ हैं वो क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यूएच वी का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा पहला एसेंशियल कंपोनेंट है उसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रॉन गन थर्ड है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डाटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सिस्टम ये जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस इंस्ट्रूमेंट में इसका हम डायग्राम देखेंगे ये डायग्राम ही इनफ है काफ़ी है इसमें हमारा टारगेट है ये इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम को जो है बॉम्बार्ड करते हैं हमारे टारगेट उसके साथ ही इसमें जो है स्वी, आ, स्वीप सप्लाई ऑप्शनल एंड सोर्स आ, सील्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डाटा ये से, सब बहुत इंपॉर्टेंट भाग है तो ये डायग्राम जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आता है तो इंस्ट्रूमेंटेशन अगर प्रोसेस हमको करता है तो ये डायग्राम और ये इसके कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स लिख देंगे तो ही काफ़ी है साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं से एस नेट एग्ज़ाम के लिए तो भी आपको अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसका जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आना चाहिए बाकी पूरा इसका प्रोसेस आना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इसका प्रोसेस भी बहुत ईजी है तो इंस्ट्रूमेंटेशन uh, में हम जो है बस इसका एसेंशियल uh, भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंपटीशन एग्जाम के से। साथ ही साथ अगर हम के से भी अगर हम, uh, uh, करते हैं तैयारी तो भी एप्लीकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी भी टॉपिक का एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है तो इसका एप्लीकेशन है पहला है हमारा पॉइंट है इसका एप्लीकेशन का सरफेस सेंसिटिव ठीक है सरफेस सेंसिटिव बेसिकली जो है एक प्रकार का टेक्निक है इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि अ सरफेस सेंसिटिव टेक्निक इज अ मोर सेंसिटिव टू दोस एटम विच आर लोकेटेड नियर द सरफेस देन इट इज टू एटम्स इन द बल्क विच आर वेल अवे फ्रॉम द सरफेस सो बेसिकली सरफेस सेंसिटिव क्या होता है सरफेस uh, सेंसिटिव उसका ज्यादा होता है जैसे कि कोई एटम है हमारा कोई एटम है तो उसके जो है अगर uh, एटम्स में अगर लोकेटेड नियर सर्फ तो ये जो है ज्यादा सेंसिटिव सरफेस सेंसिटिव जो है उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है उन एटम्स के लिए जिसके जो है जो एटम्स जो है नियर होते हैं मतलब जो जो है जो पास होते हैं हमारे सरफेस के अपेक्षाकृत जो दूर होते हैं जो एटम्स दूर होते हैं उसके अलावा जो है सरफेस सेंसिटिव पास के एटम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड पॉइंट है हमारा एलिमेंटल एंड केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ नॉन कंपोजिशन थर्ड है हमारा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हैवियर देन लिथियम वेरी गुड सेंसिटिव फॉर लाइट एलिमेंट तो बेसिकली सेकेंड पॉइंट हमारा एलिमेंटल और केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस कर सकते हैं हम इसके द्वारा uh, हम जो है यहाँ पे जो है Uh, पता कर सकते हैं मतलब लिथियम की तुलना में बहुत ज्यादा संवेदनशील तत्व तो का भी पता लगाया जा सकता है ये पॉइंट बेसिकली ये है डेप्थ प्रोफाइलिंग एनालिसिस तो प्रोफाइलिंग एनालिसिस क्या है डेप्थ प्रोफाइलिंग एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर द एलिमेंट्स और केमिकल कंटेंट ऑफ अ सैंपल इज मेजर एज अ फंक्शन ऑफ दैट ठीक है किसी भी केमिकल uh, कंटेन uh, का अगर हम गहराई से अध्ययन के लिए हम डेप्थ प्रोफाइलिंग एनालिसिस का प्रयोग करते हैं और हम uh, जो है एप्लीकेशन एप्लीकेशन uh, में ए का इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी केमिकल कंटेन का जो है गहराई से अध्ययन कर सकते हैं ये पॉइंट है इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट सेम तो सेम बेसिकली ये है कि ऑगर इलेक्ट्रॉन इंस्पेक्ट्रोस्कोपी और सेम जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक है जो कि ऑगर इफेक्ट पर बेस होते हैं तो ये एप्लीकेशंस हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बाद इसका लिमिटेशंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस क्या है पहला है लिमिटेशन Limita ये है कि एनालाइज एनालाइज कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग सैम्पल सिर्फ यहाँ से हम कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग सैम्पल को ही एनालाइज़ कर सकते हैं नॉन जो नॉन जो नॉन कंडक्टिंग सैंपल होते हैं उसके लिए हमको स्पेशल प्रोसीड्यूर की आवश्यकता होती है मतलब अलग विधि का प्रयोग करके हम नॉन कंडक्टिंग सैंपल का पता लगा सकते हैं उसका एनालाइज एनालाइज कर सकते हैं थर्ड पॉइंट हमें ओनली सॉलिड स्पेसिमेन कैन बी एनालाइज सॉलिड स्पेसिमेन मतलब यहाँ पे हम सैंपल जो यूज करते हैं सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम लिक्विड और गैस फॉर्म में सॉलिड यूज नहीं कर सकते हैं ये इसका एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है उसके बाद क्वांटिफिकेशन इज नॉट ईजी जो इसका क्वांटिफिकेशन मतलब जो मात्रा जो

तो लिथियम या उससे आगे के जिस आ, एलिमेंट्स जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उसी को ही हम यूज़ कर सकते हैं हमारे और इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोम इस, इस, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस में तो बेसिकली ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी हुआ हो होगा ये टॉपिक मैं आपको एक स्क्रीन के लिए जो है ये लास्ट में दे रहा हूँ जिसे आप अपना नोट्स बना सकते हैं तो ये इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिमिटेशंस और इसका जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कैनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं जो हमारा फार्मूला इससे हमको एक मिलता है उसके बाद इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं उसके बाद इसका एक प्रिंसिपल जो है पॉइंट वाइज समझाएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और अब, अब बेसिकली अगर रिटर्न एग्जाम में आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो भी ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए तो बेसिकली यही है इस Uh, पूरे टॉपिक का एनालिसिस आई होप कि आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग